अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सुल्तान अहमद मॉस्क दिखाएंगे जो मशहूर है ब्लू मॉस्क के नाम से। ये सुल्तान अहमद मॉस्क ये यहाँ की मेन्यू है। रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला तो उधर का खाना हम टेस्ट करने गए। ये अब हम ब्लू मॉस्क पहुँच गए। हमारे होटल से 5 मिनट की वॉक थी और फिर वहाँ से हमने ट्रैम लेकर तो इधर आ गए हैं। वो इस्तांबुल कार्ड हमने ले लिया था एयरपोर्ट से उतर के, तो वो ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको क्रेडिट कार्ड से भी भरा सकते हैं और कैश से भी भर सकते हैं। ब्लू मास्क उस्मानी सुल्तान अहमद ने बनवाई थी 1609 में और ये तकरीबन 1617 तक कंप्लीट हो गई थी। और उस वक़्त जो मस्जिद हराम थी उसके 6 मीनार थे, तो इस मस्जिद के भी 6 मीनार बने थे। तो फिर उसने ये किया था कि मस्जिद हराम का एक एक्स्ट्रा मीनार बनवाया था। मस्जिद हराम मक्के वाली मस्जिद है। ये ब्लू मास्क के अंदर से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तुर्की में आपको काफ़ी सारी पुरानी मस्जिदें मिलेंगी उस्मानी दौर की, और ये इनको इन्होंने बहुत अच्छी हालत में रखा हुआ है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा दिन नमाज पढ़ने का। इन मस्जिदों की हिस्ट्री भी साथ में बताई जाती है। ये आप जो मस्जिद नबी का मॉडल देख रहे हैं, ये सऊदी अरब के बादशाह ने अर्दोगान को गिफ्ट किया था। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله यहाँ पे काफ़ी सारी बाज़ंतीनी दौर की निशानियाँ भी बची हुई हैं। ये आया सोफिया। Adamlar halkın ki bir tane koysa olduğu gibi yarısı boşa gideceğim. Hoppa! आप शहजादे मॉस्क से सड़क क्रॉस करें तो ये सामने ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये एक यादगार बनाई गई है। जब 2016 में अर्दोगान की हुकूमत के ख़िलाफ़ खूब की कोशिश की गई थी
तो कुछ आदमी जो थे या बंदे जो थे वो शहीद हो गए थे, औरतें भी थी उनमें। और फिर उनकी यादगार में ये इन्होंने बनाई है कि ये जो उनके अपने हीरो होते हैं ना, उनको ये याद रखने का कल्चर है तुर्की में। पहले तो इन्होंने सारे पुराने अपने जो उस्मानी हीरो हैं उनको भी याद रखा हुआ है, और अब जो नए इनके इस ज़माने के हीरो भी बने हैं उनको भी इन्होंने याद किया हुआ है। इधर आप देखेंगे कि इन्होंने उन सब की तस्वीरें भी लगाई हुई हैं जो जो बंदा उधर शहीद हुआ था, और साथ इन्होंने स्टोरी भी लिखी हुई है उस वाकया के बारे में कि क्या उस वक़्त हुआ था। और ये जो आपको मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है इसके ऊपर इन्होंने स्टोरी डिटेल में दी हुई है उन बंदों की, और साथ उन्होंने कुछ मुजस्मे बनाए हुए हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि वो वुजू कर रही हैं। शहजादा मॉस्क ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, यहाँ पे हर एक चीज़ की सहूलत मौजूद है और फ्री में रेस्ट रूम्स भी हैं। इसके आसपास ये जो बड़ा सा पार्क बना हुआ है यहाँ पे लोग चहलकदमी के लिए भी आते हैं। यहाँ पे शहजादा मॉस्क के अंदर ये जो गार्डन है वहाँ पे ये काफ़ी सारी बिल्लियाँ जो होती हैं ये घूम फिर रही होती हैं, और कुछ बंदे आके फिर इनको खाना वगैरह भी देते हैं। ये होटल के बाहर ही बस स्टॉप है जहाँ से आप तकसीम की तरफ जा सकते हैं तोपकपी। अब हम बस लेकर तोपकपी जा रहे हैं। इधर बसों के अंदर ही स्टॉप वगैरह लिखा होता है कि जिस तरह वो नॉर्वे वाली बसों में होता है। आपको तोपकपी अगली वीडियो में दिखाएंगे। आपके वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।